देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूर दूर से भारत के देश के कोने कोने से देखिए दोस्तों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अंदर का व्यू इस प्रकार से है। गुरु अंदर का गर्भगृह का व्यू कुछ। मैं राकेश राय आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं फेमस बनारस का रविदास टेम्पल का विजिट कराऊंगा अपने ब्लॉग के माध्यम से, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। चलते हैं बैक कैमरा से आप सभी को विजिट करवाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूर दूर से भारत के देश के कोने कोने से लोग पंजाब से यहाँ संत गुरु रविदास जी के मंदिर का टूर करने यहाँ पर आए हुए हैं, और संत रविदास घाट का कुछ नज़ारा इस प्रकार से है। जहाँ ये दोस्तों संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर का व्यू कुछ इस प्रकार से है। दूर से देखने पर बेहद ही खूबसूरत मंदिर का व्यू लग रहा है, और आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं आप सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर का अंदर से व्यू करवाते हैं। दोस्तों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मंदिर का प्रवेश द्वार का व्यू ऐसा है। दास घाट वाराणसी लिखा हुआ है, और आप सभी को लेकर चलते हैं अंदर का व्यू करवाते हैं, मंदिर के अंदर का व्यू करवाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनन्य भक्त बाबूजी गुरु रविदास मंदिर व स्मारक के संस्थापक व निर्माता व पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी का प्रतिमा लगा हुआ है। रहिए दोस्तों हमारे साथ, आप सभी को चलते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर का अंदर का व्यू आपको करवाते हैं। देखिए मंदिर के अंदर का व्यू इस प्रकार से है। गुरु रविदास मंदिर रविदास घाट वाराणसी, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, रहिए हमारे साथ और आप सभी को दर्शन करवाते हैं। देखिए दोस्तों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर के अंदर का गर्भगृह का व्यू कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप आइए और प्रसाद वरसाद यहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं। प्रसाद वरसाद चढ़ाने के बाद आप सभी को यहाँ पर माथा टेकना होगा। माथा टेकने के बाद आप सभी मंदिर के गर्भगृह का एक फेरा लेकर उधर से आकर आप वापस जा सकते हैं, तभी आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। चलते हैं दोस्तों, हम भी एक फेरा लेकर पूजा को अपने पूरा करते हैं। हेलो दोस्तों, मैंने संत गुरु शिरोमणि संत रविदास जी के मंदिर का एक फेरा पूर्ण कर लिया है, और हमने पूजा भी कर ली है, और अब वापस चलते हैं घर।